नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के सोन पहाड़ी और हरदी इलाकों के लोग बहुत खुश है। उनकी खुशी की वजह है प्रशासन की वो रिपोर्ट, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि सोनभद्र के हरदी गांव के इलाकों के दो पहाड़ियों में सोने, यूरेनियम समेत कई धातुओं और एसेसको का भंडार है। वहीं इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ियों में 3000 टन सोने का भंडार मिला है, जिसकी नीलामी सरकार आगे प्रक्रिया करने जा रही है। वहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तक भारत के पास सोने के भंडार के हिसाब से वे दुनिया में काफ़ी नीचे नंबर पर है, लेकिन सोनभद्र में सोने का भंडार मिलने से वह सोना उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। जानकारी के मुताबिक पहले नंबर पर अमेरिका है, जिसके पास 8133 टन सोने का रिजर्व है। जर्मनी के पास 3366 टन, तो वही तीसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड के पास 2814 टन है। इसके बाद इटली, फ्रांस और रूस का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में सोने के भंडार मिलने से पूरे इलाके के लोगों में उत्साह का माहौल है। बताया जा रहा है कि हरदी गांव, महुली गांव समेत एक दर्जन गाँव वालों में रोज़गार मिलने और इलाकों के विकास को लेकर उम्मीद जगी है। बताया जा रहा है कि सोनभद्र का सोना सरकार के पास मौजूद सोने के भंडार से 5 गुना ज़्यादा है। यूपी सरकार ने सोने और यूरेनियम भंडार के बारे में पुष्टि होने के बाद पहाड़ों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब जिला प्रशासन और खनिज विभाग की रिपोर्ट के बाद सरकार के गतिविधियों में भी तेजी हुई है। प्रशासन का कहना है कि नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद खनन चालू हो जाएगा, जिसके इलाकों के करीब 5000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब सरकार टेंडरिंग के माध्यम से इन लोगों की ब्लॉकों के नीलामी के लिए सहमति दी है। इसके लिए शासन ने 7 सदस्यीय टीम की गठित कर दी है। इस टीम के जरिए पूरे क्षेत्र की जियो टैगिंग की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।